दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या 31 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा, दोस्तों खबरों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है और हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए आपकी दुविधा को दूर करते हुए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले 21 दिसंबर के बारे में सभी बातें बताऊंगा जो जरूरी है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ बातें आपका दिमाग भी घुमा सकती हैं। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शकों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 21 दिसंबर 2020 को एक खास खगोलीय घटना होगी जो कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। आज से पहले जब यह घटना हुई थी तो हमारे भारत में जहांगीर का राज चल रहा था, इसीलिए तब जिसने इसे देखा वो दोबारा नहीं देख पाया और अब जो इसे देखेगा वो भी दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये घटना आज से 397 साल पहले हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ था और क्या ये घटना हमारे लिए खतरनाक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 21 दिसंबर को पृथ्वी खत्म हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अब आप लोगों को 2012 को तो याद रखना ही पड़ेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस साल दुनिया नष्ट हो जाएगी। यहां तक कि 2012 पर मूवी भी बना दी गई जिसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। लेकिन आज 2020 चल रहा है और दुनिया वैसी की वैसी ही है। पर यहां बात आती है, आखिर 2012 में दुनिया खत्म होने की बात आई कहां से? असल में माया सभ्यता का कैलेंडर मात्र 2012 तक का ही था, इसी वजह से वैज्ञानिकों ने सोचा कि 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए माया के कैलेंडर में उसके आगे की तारीख नहीं लिखी थी। अगर आपको माया सभ्यता के बारे में न पता हो तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी जिसके द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां सही हुई थी और इसी वजह से इस भविष्यवाणी को सच समझकर लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी थी, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। वैसे 2012 में दुनिया खत्म होने की बात इसलिए भी कही गई क्योंकि 2012 के दिसंबर महीने में जितने भी ग्रह है वो एक लाइन में आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है जिसकी वजह से दुनिया नष्ट होती, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। जी हाँ, सभी ग्रह नहीं लेकिन हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रह एक लाइन में आएंगे, यानी कि पृथ्वी से आप उन्हें एक ही लाइन में देख पाएंगे। अब यहां पर यह बात आती है, क्या ये घटना पृथ्वी का विनाश लेकर आएगी? तो दोस्तों जवाब के तौर पर हम आपको बता दें, नहीं, ये घटना पृथ्वी का विनाश नहीं ला सकती, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि ये घटना आज से 397 साल पहले जहांगीर के राज्य में हो चुकी है। तो अगर विनाश होना ही होता तो तभी हो जाता। हाँ, इस तरह की घटनाएं वातावरण और एनर्जी में काफी बदलाव लाती हैं। अब ये सारी चीजें काफी साइंटिफिक और गहराई में छुपी हुई है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको ये जरूर बता देंगे कि यहाँ पर असल में क्या होगा। दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति और शनि यानी कि सैटर्न, ये दो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और 21 दिसंबर को एक दूसरे के बहुत नजदीक आने वाले हैं। और अगर आप इन्हें धरती से देखेंगे तो इनमें मात्र 10 डिग्री का फासला रह जाएगा। इससे पहले ये घटना 1623 में हुई थी। ये वही समय था जब इटली के खगोल शास्त्रीय गैलीलियो दूरबीन के जरिए आकाश को निहार रहे थे। ऐसे में तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब हमें इस खास घटना को देखने का मौका फिर से मिल रहा है। दोस्तों कई सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर दो ग्रह इतने करीब आते हैं कि उन्हें धरती से देखा जा सके तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत घटना होगी और उसका खगोल शास्त्र में काफी महत्व है। अभी यहां बात आती है कि ये दोनों ग्रह कितने करीब आ जाएंगे, तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि एक दूसरे से इतने करीब होंगे कि धरती से एक ही नजर आएंगे। और इस तरह की घटनाएं डबल प्लैनेट के नाम से जानी जाती है क्योंकि एक साथ दो ग्रह नजर आएंगे। नासा का इस बारे में कहना है कि इस तरह की घटनाएं जिन्हें कंजक्शन कहा जाता है ये हर 20 साल में होती है, लेकिन दो ग्रहों का आपस में इतना नजदीक आना ये चीज कई सालों में एक बार होती है। और इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे के करीब आता हुआ
धरती से देखा भी जा सकता है, क्योंकि ये ग्रह एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आ रहे हैं और 21 दिसंबर वो समय होगा जब ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। वैसे इसे क्रिसमस स्टार या फिर स्टार ऑफ बैथलियम के नाम से भी जाना जाता है। 1614 में जर्मनी के महान खगोल वैज्ञानिक जॉन कैपलर ने इस घटना को लेकर एक खास थ्योरी दी। उन्होंने ये बताया कि इस खास कंजक्शन को ही लोगों ने चमकता हुआ सितारा कहा है, जिसे देखकर जीसस के पैदा होने की बात किसी बुद्धिमान इंसान ने बाइबल की कहानियों में कही थी। अब सच जो भी हो, लेकिन अपने आप में ये वाकई में अद्भुत है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस अनोखी खगोलीय घटना से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस खगोलीय घटना को कैसे देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप इस घटना को देखना चाहते हैं तो ये दोनों ही प्लैनेट आपको चमकते हुए सितारे की तरह नंगी आंखों से दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो एक छोटी दूरबीन या फिर टेलीस्कोप से काम चल जाएगा, जिससे आपको ये दृश्य काफी सुंदर तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 21 दिसंबर के दिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुशी खुशी इस दिन में होने वाली खगोलीय घटना को देखकर इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि जो शख्स इस घटना को उस दिन देखेगा उसके बाद उसे देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और दोस्तों, अगर वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन का मूड है तो हमारे दूसरे चैनल वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर पर आइए, जहां हमने कल रिलीज की है बंदिश बैंडिट को। नसीरुद्दीन शाह की शानदार वेब सीरीज का पहला सीजन पूरा मिलेगा आपको 11 मिनट में। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।